नमस्कार, डीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच है पंडित देवनारायण शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि शयन कक्ष को किस दिशा में और कहाँ होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो शयन कक्ष है उसको हम कई भाग में बांट सकते हैं। मुख्य शयन कक्ष और बच्चों का अध्ययन कक्ष, गेस्ट रूम, शादी करने योग्य लड़की का कमरा, और घर पे सेकंड नंबर का जो कमरा जो बच्चों के लिए रहता है, जो भी वो भी शादीशुदा रहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि वास्तुशास्त्र मुख्य शयन कक्ष के बारे में क्या कहता है। मुख्य शयन कक्ष वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण और पश्चिम कोण पे, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और इस नैऋत्य कोण का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व मतलब सबसे स्थिर तत्व। तो इस स्थिर तत्व में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि मुख्य शयन कक्ष आप बनाएं। इस स्थिर तत्व में जैसे ही घर का मुखिया, घर का स्वामी, घर का प्रमुख व्यक्ति निवास करता है, सोता है, तो वो घर के अंदर अनुशासन आता है। वो घर के लोगों को अनुशासित रखता है। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो कमरा है वह गेस्ट रूम है। अतिथि हमारे शहर में हमारे पास आते हैं, और अतिथि जल्दी आके जल्दी चले जाएं तो हमारी घर की व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि घर का जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है, जिसको हम लोग वायव्य कोण कहते हैं, उस कोण पे अतिथि को सुलाना चाहिए। वायव्य कोण की जो तत्व है वो वायु तत्व है, जो चंचल है, जो चलायमान है, इसलिए इस कोण पे अतिथि को सुलाने से अतिथि घर पे आता है और जल्दी से जल्दी अपने घर को वापस चला जाता है। क्योंकि शहरीकरण की हमारी समस्या है, और आज हम किसी अतिथि को बहुत दिनों तक के अपने घर पे नहीं रख सकते, तो वास्तुशास्त्र उसमें उसकी मदद करता है कि अतिथि अगर अपने काम से आया है तो जल्दी से उसका काम समाप्त हो और अपने वापस अपने स्थान पे वो लौट के चला जाए। इसी तरीके से आज एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि शादी करने योग्य जो लड़की रहती है, कई बार सर्व गुण संपन्न होने के बाद, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद, उस लड़की की शादी में तरह तरह की समस्याएं आती रहती है। तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए सबसे अच्छा निदान है, क्योंकि अभी शादी का मौसम चल रहा है, शादियां अभी लगाने का समय है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो घर के उत्तर पश्चिम कमरे में, यह जो उत्तर पश्चिम कमरा है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, इस कमरे को, जिसको हमने अभी बताया था कि अतिथि का कमरा होना चाहिए, इसी कमरे में अगर लड़की को पश्चिम में सिर रख के सुलाएं तो जल्दी से जल्दी शादी की संभावना बनती है। जब फैक्ट्री में हम फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं, तैयार माल रखते हैं, तो फैक्ट्री में हम उसको वायव्य कोण पे रखते हैं, क्योंकि वायव्य कोण पे सामग्री रखते ही जल्दी से जल्दी उसकी बिक्री की संभावना बन जाती है। इसलिए हम लड़की को भी, जो शादी योग्य लड़की है, उसको वायव्य कोण पे सुलाते हैं, जिससे शीघ्र से शीघ्र अच्छा वर उसको मिले। अब इसके बाद में मुख्य समस्या है बच्चों की, जो बच्चे कई बार पढ़ने लिखने में पीछे चले जाते हैं। तो अध्ययन के लिए वास्तुशास्त्र में ईशान कोण की चर्चा की गई है। तो तीन कमरे हमारे पास में बनाए गए हैं, ईशान, पूरब या उत्तर दिशा। अगर बच्चों को उत्तर, पूरब और ईशान के कमरे पे शयन कक्ष के रूप में उनको स्टडी रूम बना के आप देंगे, तो ज्ञान की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा रहेगी, वो कम प्रयास से ज़्यादा पढ़ाई पे मन उनका लगेगा। ईशान कोण पे आप उनका टेबल लगाएं, पूरब की दीवार पे मुंह करके टेबल लगा दें, तो वो बच्चा पढ़ने पे ज़्यादा रुचि लेगा। अब
हमारे पास में शयन कक्ष की जमावट के बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। शयन कक्ष के दक्षिण दीवार पे आप बिस्तर को लगाएं, जब आप सोएं तो सोते समय आपका जो सिर है वो दक्षिण की दीवार दक्षिण की तरफ होनी चाहिए और पैर उत्तर दिशा पे होनी चाहिए। हमारा जो पृथ्वी का जो चुंबकीय तत्व है उसका जो नॉर्थ है उस दिशा में अगर हमारा सिर जाएगा, जो वास्तु के हिसाब से हमारा जो सिर है वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल करते हैं। तो अगर हमको गहरी नींद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो दक्षिण में सिर करें और उत्तर दिशा में पैर करें। अगर कमरे में दक्षिण दीवार पे बिस्तर लगाने में आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप बिस्तर को पूरब की दीवार पे लगा सकते हैं। कहा जाता है कि पूरब में सोने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और दक्षिण की दिशा में सोने से धन की प्राप्ति होती है। एसी और कूलर अगर आपको कमरे के अंदर लगाना है तो आप उसे दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे लगाएं। अगर आपको टीवी को लगाना है तो टीवी को लगाते समय उत्तर या पूरब की दीवार पे रखें। अगर कमरे के अंदर शयन कक्ष के अंदर आपको डस्टबिन रखना है तो आप उसे वायव्य पश्चिम या दक्षिण की दीवारों से लगा करके रखें। भूल कर भी ईशान कोण के पास में कचरे गंदगी या डस्टबिन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शयन कक्ष के बारे में आज की परिचर्चा रही। पंडित जी, शयन कक्ष के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स। तो अगर हम देखते हैं कि शयन कक्ष जो है वो पति पत्नी के संबंधों को दर्शाता है। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जो जिंदगी है उसमें हमने अक्सर देखा है कि आपसी जो संबंध है पति पत्नी की वो आज अव्यवस्थित हो गया है, तनाव से भरा हो गया है। तो मैं दर्शकों के लिए एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप अपने शयन कक्ष के दक्षिण और पश्चिम कोण पे एक लाल रंग का बल्ब जला करके रखें। यह जो बल्ब है ये आपके आपसी संबंधों को बढ़ाने पे मदद करेगा। नैऋत्य जो कोण होता है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपसी संबंधों का कोना होता है। तो नैऋत्य कोण पे जैसे ही आप बल्ब जलाएंगे, एक दिया जलाएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, तो आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और इसके साथ साथ आप कमरे के शयन कक्ष के नैऋत्य कोण पे पति और पत्नी का एक हंसता हुआ एक सुंदर सा फोटो आप लगाएं। और अगर वो फोटो आप वहाँ स्थान पे लगाएंगे नैऋत्य कोण पे, तो आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में मिठास आएगा। कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर शयन कक्ष में आपका हंसता हुआ फोटो रहेगा तो आपका जीवन भी हंसमुख रहेगा, आप अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे।